हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो हर एग्जाम में पूछता है, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल का कोई भी वैकेंसी हो, तो उसमें एक सिंप्लीफिकेशन आती है। तो चलिए एक टॉपिक हम सिंप्लीफिकेशन लिए हैं, सिंप्लीफिकेशन से यानी सरलीकरण के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए, एक हम टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन लिए हैं। जैसे कि देखिए, हम क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है रूट थ्री। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेता है। तो चलिए देखिए, इसको जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम बेसिक से देखते हैं, इसके बाद हम ठीक से देखेंगे। बहुत सेकेंडों में, एक या दो सेकेंड में आप बना लीजिएगा, देखते क्वेश्चन पेन चलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला भी होता है, बेसिक चीज है। ए मतलब कि रूट के अंदर वाली संख्या, जो रूट के अंदर वाली संख्या रहेगा उसको हम लोग ए मान लेंगे। जैसे रूट के अंदर वाली संख्या है 3 दोस्तों, तो यहाँ लिख देंगे 3। 1 माइनस 1/2 फिक्स रहेगा, 2 कभी भी चेंज होने वाली दोस्तों नहीं है, 2 फिक्स रखिएगा। एन की संख्या देखिए कहाँ से, जितना बार रूट आया हो, तो ध्यान दीजिए, काउंट कीजिए आप लोग, 1 2 मतलब कि रूट की संख्या, 1 2 3 4, तो रूट की संख्या कितना है दोस्तों, 4। 2 के पावर 4 कर देंगे तो 3 के पावर 1 माइनस 2 के पावर 4 मतलब कि 16। 16 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15। 3 के पावर 15/16। डायरेक्ट हम दोस्तों देखिए क्या कर सकते थे, रूट के अंदर वाली संख्या लेंगे और रूट के अंदर वाली संख्या कितना है, 3। देखेंगे कि रूट कितना बार है, 1 2 3 4। 2 के पावर 4 कीजिए, 2 के पावर 4 कितना होगा, 16। 16 में से 1 कम कर देना है, कितना होगा, 15। 15/16 यही हो जाएगा आंसर। अगला देखिए दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। जैसे रूट टू। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए रूट के अंदर वाली संख्या कितना है, 2, लिमिटेड 2। कितना बार रूट आया है, 1 2 3 4 5। 2 के पावर 5 कीजिए, 2 के पावर 5 मतलब 32। 32 में 1 कम कर दीजिए, कितना होगा, 31। 31/32 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, √2 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 मतलब 16। 16 में 1 कम कर दीजिए, कितना होगा, 15। 15/16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा ले लेते हैं, √5। रूट के अंदर वाली संख्या कितना है दोस्तों, 5। 5 लिख दीजिए। अब काम करिए कि रूट कितना बार है, 1 2 3 4 5 6। 2 के पावर 6 मतलब कितना है दोस्तों, 64। 64 में से 1 कम कर दीजिए और जितना आया वो नहीं लिखिए, 64 में से 1 कम कर दीजिएगा तो 63, और पहले कितना आया था, 64। ये हो जाएगा दोस्तों आंसर। उम्मीद है कि आप लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन। 5 नंबर देखिएगा दोस्तों, जैसे कि √7। रूट के अंदर वाली संख्या दोस्तों 7। रूट की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। 2 के पावर 5 मतलब 32। 32 में से 1 घटाइए, कितना हो जाएगा, 31/32। संभवतः आप लोग समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, √11। रूट के अंदर वाली संख्या दोस्तों 11। कितना बार रूट आया है, 4 बार। 2 के पावर 4 मतलब 16। 16 में से 1 घटाइए, कितना हो जाएगा, 15। 15/2 कितना हो जाएगा, 16। ये हो जाएगा आपके। तो संभवतः फर्स्ट टाइप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए टाइप सेकंड के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं।